वेलकम टू कलास पाठशाला नमस्ते विद्यार्थियों कलास पाठशाला वीडियो नम्म लर्न पन्रो मध्यम बुक हिंदी प्रचार वाहिनी दोल रचना सेक्शन लेसन 5 नम्म कत्तुक्रोम ऑलरेडी 4 लेसन्स वीडियोस अपलोड पन्नित्तुक्कें इन्दल 5th लेसन लेसन 5 ले वीडियो 1 इन्द लेसन एन्ना अप्पडिन केट्टींगना इन्द लेसन टाइटल एन्नना हेतु हेतु मद भूतकाल भूतकाल ना पास्ट टेंस उंगलुक्कु तेरियुम नम्म मोदल्ले कत्तिरुक्कोम हेतु हेतु मद भूतकाल अप्पडिन सोन्नोम्ना निबंधनयुडन कूडिय इरंद कालम पास्ट कंडीशनल टेंस नम्म वंदु संदेहत्ते काट्टुम निगळ्कालम संदेहत्ते काट्टुम इरंद कालम पडिच्चिरुक्कोम अदु वेरे इदु वेरे इदैयादियो नींग कन्फ्यूज पण्णिक्क कूडादु इदु निबंधनयुडन कूडिय मनी इंग्लिश रेफरेंस राम इंद वेले सेगिरान एन सोल्वो राम एकाम कर्ता हैं सोल्वो लिया नम निगल्गालं वर्तमान काल पड़्चिरुको राम एकाम कर्ता हैं सोल्वो इप्पो राम इंद वेले सेंजिरंदाल अप्रीन सोल्वो if राम had done this work अप्रीन इतके एप्री सोल्वनो अगर राम एकाम कर्ता इंगे पारेंगे इन्न वरल हैला वल्ल हैला वरल प्रेजेंट टेंस ला राम के ने पढ़ूँगा कर्ता पढ़ूँगा आधे मर कोटा तोड़े बिटरनो हाई पढ़ा बढ़ा दे इधर दा हेतु हेतु मत बुद्ध काल इपरे इधर दा आधा कुरी की दे संते निबंधन निर्णय कोड़े येरंदा गालन प्रति इधे इंदर सेंटेंस उधर कंप्लीट आगे बारंग आता उधर हेतु हेतु मत बुद्ध काल इंदर दे इबर दा वाक्यो इधर कंटिन्यूटी आधा अंदर राम ने इंदर वैले से इधर नाल முடிஞ்சிருக்கும் சொல்றானோ இல்ல அப்ப அந்த சென்டென்ஸ் கண்டினியூ பண்றப்ப தோ அப்படிን போட்டு தான் நம்ம கண்டினியூஸ் கண்டினியூ பண்ணி முடிக்க முடியும் தோ காம் சமாப்த ஹோ ஹோதா அப்ப வேளை முடிஞ்சிருக்கும் அப்படிን சொல்றோம் அகர் ராம் ஏ காம் கர்த்தா தோ காம் சமாப்த ஹோதா அப்ப வேளை முடிஞ்சிருக்கும் இப்ப பாருங்களேன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் பை ஏது ஏது வந்து பூதகால் அப்படிங்கிறது இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ்னா செகண்ட் பார்ட்ல யூ ஷட் ஆட் தோ तो ऐड पनी ना मीडी वाक्य तो निगो मुड़ी किनो इंगायो हाई हो अदलार कर दे अंगे हाई होलर कर दे अगर राम ये काम करता राम ने दे वैले ही सीधर नल तो काम समाप्त होता अपु वैले मुड़ जरूर इंगे हाई पढ़ कर दे अंगे हाई होलम पढ़ कर दे इंगे इफ राम हैड डन दिस वर्क द वर्क वुड हैव फिनिश्ड इंग्लिश लेसन हमना पूरी ना कंडीपन नहीं तो ऐड पनो अगर गांधीजी इंगे वंदनल इफ गांधीजी हैड कम हियर ओके या இப்ப சென்டென்ஸ் கண்டினியூ எப்படி பண்ணிரணும் தோ அப்படி போட்டு தான் நீங்க சென்டென்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணனும் தோ கண்டிப்பா போடணும் அகர்னா இஃப் னது ஓகே யா थर्ड वन பாருங்க अगर जापान रूस पर चढ़ाई करता अगर जापान அதாவது ஜப்பான் रूस पर रूसனா ரஷ்யா
कंट्री नेम जापान रूस पर चढ़ाई करता चढ़ाई करना टू अटैक आक्रमण करना अटैक दा ओके या सो जापान चढ़ाई करता पड़े जापान रशिया मीद पड़े इफ जापान हैड अटैक्ड रशिया அப்படி வரும் ஓகேயா फोर्थ வர பாருங்க ஓ அச்சி தர படுத்தா இங்க முழு வாக்கியமா கொடுத்துறாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் புக்ல கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு அதே வச்சு தான் நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றேன் ஓ அச்சி தர படுத்தா तो परीक्षा में जरूर पास होता அவன் அச்சி தர நன்றாக படுத்தா படித்திருந்தால் तो அப்போ परीक्षा में एग्जामல जरूर पास होता கண்டிப்பா பாஸ் ஆயி தேர்ச்சி பெற்றிருப்பான் ரெண்டுமே இறந்த காலத்தை தான் காட்டுது நாம கவனிக்க வேண்டியது அதுதான் படுதா ஓதான் இருக்குன்னு பிரசன்ட் னு புரிஞ்சிக்காதீங்க இந்த இது கண்டினியூட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இங்க வந்து தோ போடுறோம் இங்கேயும் படுதா அப்படிங்க எழுதுறோம் இங்கேயும் பாஸ் ஓதான் எழுதுறோம் இங்க ஹை எல்லாம் இல்ல பாருங்க சோ திஸ் இஸ் நாட் பிரசன்ட் டென்ஸ் ஏ வர்த்தமான கால் நஹி ஹே அவன் நன்றாக படித்திருந்தால் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பான் அப்படினு சொல்றோம் ஃபை பாருங்க அமாரே பாஸ் தன் ஹோதா अगर मेरे पास धन होता तो मैं जरूर मोटर खरीदता मई कहता वो उस देश के पास काफी तोपे होती अंदम के पास पसस पड़ा काफी तोपे होती तोपेना बीरंगिकल पूरल काफी तोपे होती तो लड़ाई में कभी नहीं हरता अब लड़ाई में वार संडेल युद्ध वार कभी नहीं हरता अब தோங்க மாட்டாங்க ஹார்த்த புரியலையா எளிமையா இருக்கா உஸ் தேஷ்கே பாஸ் காஃபி தோபே ஹோதி அந்த நாட்டிடம் போதுமான அளவு பீரங்கிகள் இருந்திருந்தால் அவங்க கண்டிப்பா அந்த யுத்தத்துல அந்த வார்ல தோத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ மத்தியம கிராமர்லயே பாத்தீங்கன்னா பிராக்மிக்ல பண்ண ட்ரான்ஸ்லேஷனோட இதுல நல்ல நீண்ட வாக்கியங்கள் லாங் சென்டென்சஸ் அதாவது இது நடந்தா அது நடக்கும் அது நடந்தா இது இருந்துக்கணும் இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் இங்கிலீஷ்லயே டஃப்பான ஒண்ணுதான் சோ அந்த மாதிரி இப்போ இதுல ரொம்ப நல்லா நீங்க பிராக்மிக் படிச்சிட்டு மத்தியம இதையெல்லாம் நல்லா லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா மத்தியமாலயே ரொம்ப அழகா ஹிந்தி பேசலாம் நீங்க இதெல்லாம் எல்லா வேர்ட்ஸ்க்கு மீனிங் தெரிஞ்சி கிராமர் பாயிண்ட்ஸ் புரிஞ்சு படிங்க அப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் सेवन बार गांधी जी ना होते तो हमारे देश में एकता कैसे होती गांधी जी ना होते गांधी इलाम हमारे देश में नम नाटल एकता कैसे होती एकता ना यूनिटी ओट्रम एपड़ी इरुकों एकता गर्दे पेंपाल अदनाल ना होती पुटको नम नाटल ना एपड़ी ओट्रम एरपटी इरुकों अपनी सोलो संदेगते काट्रा निबंधन कूड़िया इरंदा कालम सारी निबंधन कूड़िया इरंदा कालम एट बर्नर तुम दो दिन और यहाँ ठहरते तो कलाम जी को जरूर देख सकते तुम दो दिन नी रंट नाटकर और यहाँ ठहरते इन्नो और ना इन्नो रन्नाल इरुन्ने वैन यहाँ ठहरते इंगल तंगी इरुन्दार तो कलाम जी को जरूर देख सकते कंडीपा नी वंद कलाम जी ए पार्थिर कलाम पार्थिर का मुड़ियों नयन बर्नर अगर मैं तेज चलता ना वेगमा नडंदिरुंदाल तो गाड़ी के आने के पहले ही स्टेशन पहुंचता अपो वंदु वंडी के आने के पहले ना वरुवदर्कु मुन्नाले ही मुन्नाले ये स्टेशन पहुंचता स्टेशन सिंडर अड़ेंदिरुपे अगर मैं तेज चलता नान वेगमा में नडंदिरुंदाल वंडी वरुवदर्कु मुन्नाले ये स्टेशन सिंडर अड़ेंदिरुपे சோ உங்களுக்கு இந்த டைப் ரொம்ப ஈஸியா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுல இன்னும் எக்சர்சைஸ் ரெண்டு பண்ணப் போறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்றப்ப உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடும் நல்லா இத லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் வந்து அந்த எக்சர்சைஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் நீங்க ஹிந்தில பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிந்தி ரொம்ப ஈஸி
वीडियो पिछड़ी उ्रेंड्सो कंपा शेयर पड़ेंगे सदनिया आपकी अध्यापिका कला मामा कला पाठशाला चेनल सब्सक्राइब पड़ेंगे इंस्टेंट नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक पड़ा मरदा।